देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हुए हैं, हमारे साथ ढोल वाले हैं, नगाड़ा वाले हैं, पूरे देश से आए हुए यहाँ पे लोग हैं, और आज हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो अभियान चलाया गया है, उस अभियान का नाम है सिंगल यूज प्लास्टिक। एक बार जोरदार ताली। बाजार जाते हैं तो हम इस तरह के प्लास्टिक में कोई भी अपना सामान लाते हैं, चाहे वह दूध हो, चाहे वह सब्जी हो या किसी भी तरह का। तो मैं हम आप सबको बताना चाहते हैं कि यह प्लास्टिक जो है खतरनाक है, जानलेवा है, चाहे पानी का बोतल हो, चाहे चाय का कप हो या कोई भी यूज किया जाने वाला प्लास्टिक हो। कृपया आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप प्लास्टिक का उपयोग न करें, और हम चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि 2 अक्टूबर 2019 तक हम सिंगल यूज प्लास्टिक यानी कि हम प्लास्टिक का उपयोग न करें। आप सभी का सहयोग के लिए जोरदार ताली। हर सामान को आप झोला में लेकर आए, इससे क्या होगा कि प्लास्टिक का उपयोग बंद होगा, प्लास्टिक से कैंसर जैसी बीमारी होती है, हमारी गौ माता जब प्लास्टिक खाती है तो मर जाती है। तो आप सभी से निवेदन है कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। मेरा नाम प्रेम पाल सम्राट, पूर्व विधायक जलेसर एटा उत्तर प्रदेश। मैं आज ये शपथ लेता हूँ त्रिवेणी घाट पर, हमारे सभी बच्चा बच्ची छात्र छात्राएं बच्चियाँ ने आज प्रदर्शन किया, और पूरे देश में ये मैसेज जाना चाहिए कि ये गौ माता इसको खाती है, ये जहर होता है, कैंसर होता है। आनंद गुप्ता जी के नेतृत्व में यहाँ गंगा त्रिवेणी घाट पे हमारे सभी देश की जनता बच्चे छात्र छात्राएं उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया।